स्टूडेंट गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड सी सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 6 सुबह। तो कल मैंने आपको वीडियो में जो समझाया था आधा लेसन, अब आज ये वीडियो में आधा लेसन आपको समझाती हूँ। तो सुनिए बच्चों, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। कौन बोलता है? छोटी जो उसको जो पोलियो हो गया था वो लड़की बोल। तो ठीक है तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। नुक्कड़ वाली किसको बोलते हैं? कि नाका गला का जो जो छोर होता है वो। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज दी, गोलू ये तो तुम्हारी लिस्ट टॉफी भी लाई, टॉफी यानी कि चॉकलेट। गोलू टॉफी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते, एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जगमगाने चमकना, जहां रोशनी ही रोशनी थी, क्या जमीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे का उजाले की जीत का त्योहार है। किसने बताया? दादी जी ने। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित ले हराना, किसको हराया था राम ने? रावण को। इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है दीपावली। राम अयोध्या लौटे थे, उसी खुशी के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सबसे मिलकर पूजा और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया, मग्न जैसे तल्लीन होना। रेशमा अपने दादा और दादी के साथ फूल चढ़िया जला रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियां निकलने लगी है। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू चलो तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखे के शोर में रेशमा की आवाज दब गई, आवाज दबने लगे, कोई उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। बाकी लोग कुछ समझ पाते, सबसे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी से धकलती गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया। किसने धक्का दिया? गोलू को धक्का दिया रेशमा ने, और उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की कुर्ती और गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज सुनकर माँ पिता की बाहर दौड़ आए। कुर्सी के रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। जब उसको उसने भैया को बचाया गोलू को, तब क्या हुआ कि सामने से तुरंत उसकी कुर्सी गिर गई और वो नीचे दब गई, कुर्सी के नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली कहीं चोट तो नहीं लगी रेशो? उसको लाड से क्यों कही, क्या कहते रेशो? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबसे रेशमा के पीठ थपथपाई, पीठ थपथपाने वाले शाबाशी देना। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। खिलखिलाकर हंसना यानी कि खुलकर हंसना। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा ले रुकावट नहीं बनी। वह आज भी उतनी जिंदा दिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। जिंदा दिली यानी खुश भी है हमके। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे से जुट जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों,
मैंने आपको जो लेसन समझाया सिक्स सुबह, इसमें आपको शब्दार्थ पेन में समझा दिया जो बोर्ड पर लिखा है वो, और रूढ़ी प्रयोग भी आ गया आपको इसमें। तो आपको ये होमवर्क में कॉपी में लिखना है और वर्कबुक में भी लिखना है। थैंक यू।